हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज हम एक पार्टी वेयर गाउन बनाएंगे 6 to 8 month बेबी गर्ल के लिए, जहाँ मैंने 4 layer में कपड़ा बिछा रखा है। लेंथ मैंने यहाँ 8 inch ली है, शोल्डर मैंने 4.5 inch ली है। आर्म होल भी मैंने 4.5 इंच लिए हैं। सभी लाइनों को ड्रॉ करेंगे और एक मार्क कर लेंगे। जहाँ पर फिटिंग मैंने 5.5 इंच ली है, चेस्ट से और नीचे कमर से, और मैंने मार्जिन जहाँ पर 2 इंच लिया है। जहाँ मैंने सैटिन की लाइनिंग ले रखी है, इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। जहाँ पर मैंने साटन का फैब्रिक ले रखा है वाइट कलर में, नीचे फ्लेयर के लिए, इसको हम समोसे की तरह बिछाएंगे। ये 4 layer में है और कमर के अकॉर्डिंग जितनी हमारी कमर का मार्जिन उतने ही अकॉर्डिंग हम इसको मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद हम 1 inch ऊपर जाएंगे। 1 inch हम ऊपर इसलिए जाएंगे क्योंकि हम जब राउंड में कटिंग करते हैं तो जो मार्जिन ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, साटन भी है तो ऊपर से जो राउंड शेप में मार्जिन बढ़ जाता है। कमर से हम लेंथ लेंगे। लेंथ हमारी 12.5 inch है। एक बार मेजरमेंट लेने के बाद हम ऊपर से कोने से मेजरमेंट करेंगे। ऊपर से नीचे तक हमारी जितनी लेंथ आती है उसके अकॉर्डिंग हम मार्क करेंगे, राउंड शेप में कट कर लेंगे। जहाँ पर मैंने नेट फैब्रिक लिया है फ्रिज के लिए, और लेंथ मैंने 16 इंच ली है, विड्थ मैंने 28 इंच ली है, और ये 4 layer में है। 4 layer की हमने 28 इंच की 4 layer ले रखी है। एक फ्रिल मैं इसके ऊपर और लगाऊंगी, उसकी लेंथ मैंने 13 इंच ले रखी है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए मैंने आपको कॉटन की लाइनिंग भी नहीं दिखाई और ऊपर से नेट फैब्रिक की भी नहीं दिखाई, वो मैं आप सबको स्टिचिंग के टाइम पर दिखाऊँगी। आप देख सकते हो मैंने जहाँ पर 3 layer ली है, जहाँ नेट की, साटन की और कॉटन की। कॉटन की भी कटिंग मैंने सेम मेजरमेंट से करी है, और सबसे पहले हम साटन की और नेट फैब्रिक की स्टिच करेंगे। जहाँ पर हम कच्ची से सिलाई लगाएंगे 5 नंबर की। जहाँ पर हम फ्रंट नेक ड्रॉ करेंगे, विड्थ मैंने 2 इंच ले रखी है, लेंथ मैंने 3.5 इंच ली है,
राउंड शेप देंगे। कटिंग करने के बाद हम नेट फैब्रिक के ऊपर इसको रखकर पलट लेंगे। मैंने जहाँ बैक पार्ट की भी कटिंग कर रखी है, बैक पार्ट की विड्थ मैंने 2 इंच और लेंथ मैंने 2.5 इंच ली है। और जहाँ पर हम शोल्डर अटैच करेंगे, शोल्डर में जहाँ घूम अटैच कर रही हूँ। जहाँ पर मैंने 1.5 इंच की और एक पट्टी ले रखी है, आर्म होल फिनिश करेंगे। आर्मोल फिनिश हो चुके हैं। जहाँ पर मैं डार्ट के निशान लगाऊंगी, विड्थ मैंने इसकी 2.5 इंच ले रखी है और लेंथ भी मैंने 2.5 इंच ही ली है। फ्रंट और बैक में सेम मेजरमेंट से निशान लगाएंगे और डार्ट डालेंगे। जहाँ पर मैंने स्कर्ट की लाइनिंग ले रखी है नीचे लगाने के लिए कॉटन की, और मैंने जो सीधी दोपट्टी ले रखी है, नीचे से बॉटम से फोल्ड करूँगी और ऊपर से प्लेट डालूँगी जितनी हमारी कमर रेडी आएगी। जहाँ पर मैंने वाइट साटन के फैब्रिक पे कमर की फिटिंग कर रखी है, जितनी हमारी फ्रॉक की चोली की फिटिंग है उतनी ही मैंने फिटिंग कर रखी है।
और यहाँ पर हम नेट फैब्रिक से छोटे छोटे प्लीट डालेंगे। जो नेट फैब्रिक 30 इंच वाली लेंथ वाला है, 16 इंच लेंथ वाला हम बाद में लगाएंगे, पहले हम 13 इंच वाला लेंथ वाला जो है वो हम कमर से लगाना स्टार्ट करेंगे। और दोनों साइड को मैं बंद रखूँगी, मेरी एक साइड बंद है और दूसरी साइड को मैं सिलाई लगाकर बंद करूँगी और हम सिलाई लगाएंगे, प्लीट डालेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ भी समझ ना आ रहा हो तो प्लीज़ मेरे से पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको समझाने की। सिक्सटीन इंच लेंथ वाले जो हमने फैब्रिक ले रखा था अब हम उसको लगाएंगे। ऊपर से हम इंच टेप से नीचे तक लेंथ हम 4.5 इंच पे राउंड शेप में मार्क करेंगे फ्रंट और बैक में, और जहाँ पे भी हम छोटे छोटे प्लीट डालकर अपना फ्लेयर कंप्लीट करेंगे। जहाँ पर हमारे दोनों फ्लेयर लग चुके हैं और जो कॉटन की लाइनिंग है उसको मैं सीधी रखकर अंदर की तरफ डालूँगी और राउंड में सिलाई लगा लूँगी।
हाँ हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। स्कर्ट को उल्टा करूँगी और चोली को सीधा रखूँगी। चोली को अंदर डालते हुए पूरी राउंड में सिलाई लगा लेंगे। आप देख सकते हैं चोली हमारी जहाँ अटैच हो चुकी है और मैंने इसको सीधा कर लिया। हमारा सिंपल ही गाउन बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम इसके लिए बो रेडी करेंगे। बो के लिए मैंने जहाँ पर कपड़ा 6 इंच और 5 इंच ले रखा है और वाइट फैब्रिक का मैंने 2 बो रेडी करूँगी, एक बड़ा एक छोटा, और इसकी लेंथ 7.7 इंच और 8 इंच ले रखी है। अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगता है प्लीज़ अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जहाँ पर मैंने बो के नीचे के लिए टाई रेडी करूँगी, लेंथ विड्थ मैंने 6 इंच ले रखी है, लेंथ मैंने 10.5 इंच ले रखी है और दो जो फैब्रिक 4 लेयर में है, 2 साटन के हैं और 2 ही नेट फैब्रिक के हैं।
थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।